नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार सत्यजीत तांबे अपने चुनाव के बाद पहली बार चोपड़ा तालुका आए हैं। वे महात्मा गांधी शिक्षण बोर्ड द्वारा संचालित कला शास्त्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्मार्ट हॉल में स्थानक शिक्षकों से मिलने आए थे। इस मौके पर विधायक सत्यजीत तांबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेरी सफलता के एकमात्र पिता मेरे पिता ही है। वह सबसे संबंध रखते थे और किसी की जात नहीं देखते थे। महाराष्ट्र में पिता और पुत्र के काम की तुलना करने का एक लंबा इतिहास रहा है, इसलिए मैंने किसी का पक्ष नहीं चुना। सदन में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की शालीनता के बारे में पूछे जाने पर इस बार कहा गया कि सदन समिति है। विधायक सत्यजीत तांबे ने कहा कि चूंकि ये हॉल अंग्रेजों के आजादी के पूर्व काल में स्थापित किए गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक हॉल की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। पेंशन का मुद्दा केवल महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है, और केवल शिक्षकों की ही नहीं तो यह सभी सरकारी कर्मचारियों का सवाल है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्रश्न कल विधायक परिषद में उठाए हैं। वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी है, हम इसके लिए सरकार पर दबाव जरूर बनाएंगे। मदत केली, परंतु माझ्या विजयाचं खरं जे श्रेय ते माझ्या वडिलांच्या कामाला आहे। मी काल पण सभागृहात पण मांडलं, सभागृहात पण मी ही गोष्ट मांडली, म्हणजे इंग्लिश मध्ये एक म्हण आहे की सक्सेस हॅज मेनी फादर्स, यशाला अनेक बाप असतात। प्रत्येक जण म्हणतो की अरे माझ्या मुलाला बरं का, माझ्या मुलाला, पण माझ्या यशाचा एकच बाप आहे, तो माझा बाप आहे। त्यांनी जे संबंध तुमच्याशी तयार केली मागच्या 14-15 वर्षामध्ये, त्यांनी कधी कोणाची जात पाहिली नाही, धर्म पाहिला नाही, कोणता पक्ष पाहिला नाही, कोणी पाहिलं नाही, त्यांनी प्रत्येकाशी संबंध ठेवले, म्हणून तर तुम्ही कसे उभा राहिलो तरी त्या ठिकाणी माझ्या पाठीशी उभं राहायचं काम। ब्युरो रिपोर्ट, अक्सा अन्सारी।